चक्रवात दाना ओडिशा के तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ चला है। इस चक्रवात के शुक्रवार सुबह केंद्रपाड़ा में भीतरकनिका और धामरा पोर्ट के बीच टकराने की आशंका है। इस चक्रवात से राज्य की लगभग आधी आबादी के प्रभावित होने का खतरा है। इसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और क्रॉस करेगा नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन पुरी एंड सागर आइलैंड, बहुत क्लोज टू भितरकनिका एंड धमरा धमरा का आसपास वो क्रॉस करेगा। आज मिडनाइट से लेके कल सुबह तक बीच में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके ही क्रॉस करेगा, जबकि उसका विंड स्पीड रहेगा 100 से 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में। चक्रवात दाना से निपटने के लिए सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। फ्लाइटों को रोक दिया गया है और ओडिशा से आने जाने वाली 203 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने पुरी और धामरा के निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को शेल्टरों में शिफ्ट कर दिया है। वहीं प्रभावित जिलों से 10 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। ये गवर्नमेंट का तरफ से, पूरी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इधर सब टाइप का सुविधा दिया जा रहा है। अभी टिफिन दिया गया, सूखा खाना, अभी कुछ देर के बाद वो खाना आएगा खाने के लिए। इधर लगभग 1000 आदमी रह सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था किया गया है। पूरा ये सब म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग लोगों का घर घर घूम के उनसे बोलते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, तो जाइए वो साइक्लोन शेल्टर जाइए, उधर जा कर रहिए। ये सब सुविधा हम लोग कर रहे हैं। मैंने तो बहुत देखा है, ये क्या है, ये साइक्लोन, ये 99 में जो साइक्लोन हुआ था इसमें भी हम इधर ही यहाँ पर भी था, लेकिन सब तो साइक्लोन सेंटर अभी तब तक तो नहीं था, तो 99 का बाद में हुआ ये साइक्लोन सेंटर, इसलिए वो डर का ये नहीं, हमारा सब ठीक है, हमने डरता नहीं। ये साइक्लोन होता है, आता है जाता है, बरस में एक बार आता है जाता है, दो बार आता है जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जिला प्रशासन ने लोगों को समुद्र के करीब या अंदर जाने से रोकने के लिए समुद्र तट पर लाइफ गार्ड और फायर ब्रिगेड कर्मियों को तैनात किया है। हम लोग का जो लाइफ गार्ड है और फायर सर्विस का है, हम लोग इस इधर इसी बीच में हम लोग रेगुलर बेसिस में हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी पर्यटक समुद्र के अंदर न जाए। हमारे लिए हर एक का जान कीमती है, जीरो कैजुअलिटी जो हमारा गवर्नमेंट दिया हुआ है हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह ने केंद्रपाड़ा में संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। कनकपाड़ा उन जिलों में से एक है जहां पर चक्रवात के पहुंचने की आशंका है। I have seen what was being stated and shown on certain medias that there are very high waves and things. Waves are normal as per, I mean, my visuals, what I am seeing. Waves are normal whenever a cyclone happens, such waves do rise. But it's not abnormal as was being projected. And let's wait and watch. The eye of the storm is going to make a landfall later tonight. Every adequate steps have been taken to restore the power at the quickest and earliest after the cyclone tides away. वहीं पारादीप पोर्ट पर आंध्र प्रदेश की मछली पकड़ने वाली नावों का रेस्क्यू किया गया। इन मछुआरों के लिए ओडिशा समुद्री मत्स्य उत्पादक संघ ने रहने और खाने की व्यवस्था की। आंध्र प्रदेश के 10 से 15 वेसल हम लोगों के हार्बर में आ चुके हैं। वो लोग 15 दिन पहले आंध्र प्रदेश से फिशिंग से निकले थे, जो कि समुद्र अशांत होने के कारण वो लोग पारादीप फिशिंग हार्बर में आ चुके हैं। और नियर अबाउट 300 से ज्यादा फिशरमैन कम्युनिटी के लोग जो आंध्र प्रदेश के हैं वो यहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं। हवा का रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बारिश का रफ्तार भी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इतना, जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोगों को बोल के रखे हुए हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने चक्रवात दाना की वजह से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राज्य भर में तैनात किया गया है।